70% of human body is made of water। शायद आपको पता नहीं होगा पर हमारे ancestors और ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो मेटल के कंटेनर्स में वाटर को स्टोर करते थे टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम ऑल द पोल्यूटेंट्स एंड एनीथिंग दैट कैन स्पॉइल द ड्रिंकिंग वाटर। Hello people, welcome to Fit Tak, and in today's video we're going to discuss that how storing the water in metal containers is actually very, very good for our health and is also now backed by scientific research that proves the fact. कॉपर के बर्तन में जो पानी को स्टोर करने का तरीका है वो एक्चुअली आयुर्वेदा के टाइम से पॉपुलर है एंड व्हाई इट इज़ सो नाइस इज बिकॉज उससे एक जो नेचुरल प्योरिफिकेशन है बॉडी का वो स्टार्ट हो जाता है एंड हाउ इट इज़ डन इज क्योंकि वो वाटर को अगर हम ओवरनाइट 4 to 5 या 6 to 7 आवर्स के लिए उसमें प्लेस करके रखते हैं तो एक तरह से वो टॉक्सिन्स को रिमूव करता है ना सिर्फ पानी से, इनडायरेक्टली हमारी बॉडी से भी, क्योंकि किसी भी तरह का एल्गी, फंगस, बैक्टीरिया या कोई भी तरह का मोल्ड होता है वो पानी में से नेचुरली उसको किल करता है। क्योंकि कॉपर के जो गुण हैं वो उस पानी में आ जाते हैं उसको पूरी रात रखने से, क्योंकि कॉपर जो मेटल है वो एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी फंगल होता है एंड ऑल्सो इट इज़ अ ग्रेट एंटी ऑक्सीडेंट। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा अगर हम अपनी बॉडी में कॉपर की अमाउंट को न्यूट्रलाइज रखते हैं तो हमारे जितने भी डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनकी फंक्शनिंग स्मूथ होती है, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल में रहता है एंड हमारे जो 3 तरह के दोषा हैं काफा, पिता एंड वाता वो एकदम बैलेंस आउट रहते हैं एंड कॉपर जो है वो हमारी बॉडी डायरेक्टली सिंथेसाइज नहीं कर सकती। इट इज़ ऑलवेज बेटर टू ऑलवेज फुलफिल द रिक्वायरमेंट, the copper requirement of our body through indirect resources like food, that dietary foods, especially green leafy vegetables have enough amount of copper and also the best way to have copper in today's time is to store 2-3 liters of water into a copper vessel for overnight and have it first thing on an empty stomach in the morning. कॉपर से जो है वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो एड्स इन वेट लॉस। कॉपर की जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उससे जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी से ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की एक तरह की क्लेंजिंग हो जाती है जिससे हमारा जो फूड है वो बहुत ही जल्दी हमारी बॉडी एसिमिलेट करती है, एनर्जी में ब्रेक डाउन करती है एंड हमारा डाइजेशन हो जाता है एकदम फ्लूइड एंड सीमलेस। एंड इफ़ आर डाइजेशन इज़ स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदा सेज 80% ऑफ आवर हेल्थ इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर डाइजेस्टिव हेल्थ। सो डाइजेस्टिव हेल्थ स्ट्रॉन्ग है तो हमारा वेट लॉस भी बहुत ही एम्प अप हो जाता है, स्पीड अप हो जाता है एंड यू आर एबल टू मीट योर टारगेटेड वेट लॉस गोल्स। कॉपर ऑल्सो फाइट्स एजिंग प्रोसेस। यस, जो कॉपर की प्रॉपर्टीज़ हैं वो जो फ्री रेडिकल्स है उनको रिमूव करता है एंड फ्री रेडिकल्स आर एक्चुअली द मेन रीज़न वाई रिंकल्स गेट फॉर्म्ड ऑन आवर फेस। सो इफ़ यू आर द वन हु इज़ वरीड अबाउट फॉर्मेशन ऑफ रिंकल्स एंड एजिंग, कॉपर वाटर इज़ द सोल्यूशन फॉर यू। कॉपर ऑल्सो हील्स योर वूंड्स फास्टर, यानी कि कॉपर में होती हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, इंटरनली आपकी बॉडी क्लेंज होती है एंड आपका जो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो आपके जो वूंड्स हैं वो बहुत जल्दी हील होते हैं, जो आपकी बॉडी की न्यू सेल फॉर्मेशन है, ग्रोथ है, उसको एक्सेलरेट करता है कॉपर। Apart from all these benefits that I discussed, copper is also miraculous in mitigating the risk of cancer and also because of its anti-inflammatory properties, it is excellent for people suffering from arthritis and pain in the joints. And I hope this video helps you in understanding that why copper is an essential component and should be included in your everyday diet and also why you must have water in copper vessels. And to watch more such videos with me, Garima Bhandari, please subscribe to Fit Tak Today on YouTube, like and follow us on Instagram and Facebook, and keep watching this space for more. Bye guys.